बिहार राज्य की लगभग 90% आबादी यहाँ के गांव में बसती है, और यह वह गांववासी हैं जो काफी आशाओं और उम्मीदों से भरे हैं। उम्मीद एक बेहतर कल की, उम्मीद परिवर्तन की। HDFC बैंक में हमारा हमेशा यही प्रयास रहा कि हम इस परिवर्तन का हिस्सा बने, ताकि हम उन क्षेत्रों में बदलाव ला सकें जहां हम सक्रिय हैं। 2002 में जब से हमारी पहली ब्रांच की स्थापना बिहार राज्य में की गई, तब से अपने सामाजिक दायित्व के अनुसार हम तकरीबन 51 लाख जिंदगियां छू चुके हैं। मनिका गाजी के किसान अब इंटेंसिव फार्मिंग की नई तकनीक से खेती करते हैं, जिससे केवल 2 वर्षों में ही यहाँ सब्जी की उपज लगभग दुगनी हो चुकी है। किसानों की स्थिर आय में बढ़ावा होने के साथ इस पर्यावरण के अनुकूल तकनीक से यहाँ भूमि संरक्षण भी हुआ है। इसी गांव में सौर ऊर्जा से चलने वाले पानी के पंप भी स्थापित किए गए हैं, जिससे कृषि योग्य भूमि में वृद्धि होने के साथ लागत में कमी और उत्पादन में सुधार हुआ है। पहले था तो हम लोग को बहुत दिक्कत होता था, हर चीज के लिए डीजल का महंगाई था, पानी पटाने में हम लोग को बहुत कठिनाई होती थी, बहुत कम यहाँ सब्जी का खेती होता था और गेहूं का भी फसल सब खेत में नहीं होता था। जब से ये बोरिंग हुआ तब से यहाँ का खेती जो है एकदम चकाचक है, 1 इंची कहीं खाली नहीं है। कृषि संसाधन का बेहतर प्रयोग हो पाए, इसलिए यहाँ के किसान अब जीरो टिलेज कंजर्वेशन एग्रीकल्चर और कीटनाशक ग्लू पैड्स का उपयोग करते हैं, जिससे यहाँ गेहूं के उत्पादन में काफी वृद्धि हुई है। पहले ज्यादा बीज लगता था और उसका जनरेशन ठीक से नहीं होता था और खाद डालने में भी नहीं बनता था। अब जीरो टिलर से बाव होने पर लाइनिंग उसकी अच्छी रहती है, खाद डालने में बनता है और उसका व्यायाम अच्छा करता है। हमारे समग्र ग्रामीण विकास कार्यक्रम द्वारा किए गए इन्हीं प्रयासों से हमने 50 गांवों के 12,000 परिवारों में एक बेहतर कल का वादा पूरा किया। रघुनाथपुर जगदीश के आंगनवाड़ी केंद्र में न केवल नवीकरण की सख्त आवश्यकता थी, बल्कि छात्रों की अनुपस्थिति का स्तर बढ़ता जा रहा था। यहाँ बेहतर पढ़ाई के लिए दीवारों पर चित्रकारी के साथ स्वच्छता हेतु निर्माण कार्य भी किए गए। नरसिंहपुर गांव के राजकीय प्राथमिक विद्यालय में भी शिक्षा संबंधित कार्य किए गए। पहले मेरे स्कूल में शौचालय नहीं होने के कारण शौच हेतु घर जाना पड़ता था, पर अब नहीं जाना पड़ता है। जैसे पुस्तकालय की स्थापना, स्वच्छता में सुधार, पीने के साफ पानी की व्यवस्था और छात्रों के लिए एक शिक्षा से अनुकूल वातावरण का निर्माण। अपनी धारणीय आजीविका पहल के जरिए हमने तकरीबन 7 लाख लोगों को जरूरी कौशल प्रशिक्षण और वित्तीय साक्षरता भी उपलब्ध करवाई है। पटना शहर में ओरियंट स्किल ट्रेनिंग सेंटर की स्थापना हुई, जिससे कई छात्रों को विकास के असीम अवसर मिले। हीट टेक्निक स्टैंड फॉर सीसी के लिए स्टैंड करता है उनके बिहेवियर के लिए, जो ऑन द कॉल वो लोग डिफाइन करते हैं। मैं यहाँ जुड़ने से पहले काफ़ी कम बोलने वाले लोगों में से था, जो कि ज़रूरत भी कभी होती थी तो बोल नहीं पाता था, तो ऑब्वियसली एक स्किल की लैक थी मेरे अंदर। तो जब मैं यहाँ पे जुड़ा, बदलाव आए, कुछ ऐसे बदलाव जो कि असल में नई सोच की ओर इशारा करें। इसके अलावा यहाँ जैव शौचालय के निर्माण से हमने देश के स्वच्छता अभियान में अपना छोटा सा योगदान भी दिया। अपने इन्हीं प्रयासों से HDFC बैंक परिवर्तन ने देश के कई कोनों में सफलतापूर्वक प्रगति कार्य किए हैं, जिससे आज तकरीबन 6.5 करोड़ लोगों को उम्मीद की नई किरण मिली है, और ये तो बस शुरुआत है।